हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में जाना था कि प्लानिंग कमीशन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव वो किस तरह से काम करता है। आज हम जानेंगे कि नीति आयोग क्या होता है और किस तरह प्लानिंग कमीशन के रिप्लेसमेंट के बाद ये काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग रिप्लेस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ प्लानिंग कमीशंस बिकॉज प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान सेट करता था, उसी तरह नीति आयोग भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान सेट करता है। लेकिन नीति आयोग स्टैंड करता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक थिंक टैंक है क्योंकि हर बारे में, हर स्ट्रेटजी, हर टेक्निकल, एजुकेशनल, हर फील्ड के बारे में ये सोचता है कि कहाँ पे पॉलिसी बनानी है, किस तरह की पॉलिसी बनानी है, तो ये सोचने का काम करता है। इट प्रोवाइड रिलीवेंट स्ट्रेटजी एंड टेक्निकल एडवाइस ऑन द की पॉलिसी इश्यूज, यानी कि किसी सेक्टर में पॉलिसी बनानी है तो उसकी स्ट्रेटजी किस तरह से रहेगी, टेक्निकल एडवाइस क्या होगी, इसके बारे में बताता है। नीति आयोग विल गिव मोर इम्पोर्टेंस एंड फ्रीडम टू स्टेट्स विल प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सबका साथ सबका विकास, इसके ऊपर ही नीति आयोग बना है। सबको साथ लेके और सबके विकास की पॉलिसी इसमें बनाई जाती है। इट विल नॉट एलोकेट फंड्स टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट बट एलोकेशन ऑफ फंड मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। नीति आयोग में होता क्या है, इसमें सिर्फ पॉलिसी बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटजी एंड टेक्निकल एडवाइस, बट एलोकेशन ऑफ फंड नहीं होता। एलोकेशन ऑफ फंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ऑन द इरा ऑफ प्लानिंग कमीशन स्टेट हैज लेस पावर ऑन डिजाइनिंग स्टेट प्लान, बट इन नीति आयोग देयर विल बी मोर पावर एंड फ्रीडम फॉर स्टेट गवर्नमेंट। नीति आयोग के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सी फ्रीडम प्रोवाइड की गई है, लेकिन प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कुछ ही जगह पर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के साथ कनेक्टेड थी, एडवाइस कर सकती थी या इश्यूज को सॉल्व कर सकती थी। नीति आयोग प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और नीति आयोग आइडिया प्रोवाइड करता है किसी प्रकार के इश्यूज, किसी प्रकार के एजेंडे के लिए। नीति आयोग एक एडवाइजर का काम करता है, पॉलिसी को एवेल्युएट करता है कि वो पॉलिसी का प्रोजेक्ट सही होगा कि नहीं होगा, लाइक एज मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्वच्छ भारत अभियान एक्सेट्रा। तो ये सब के लिए नीति आयोग काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह पर काम करता है, स्ट्रेटजी एंड टेक्निकल एडवाइस करता है और एक थिंक टैंक है, यानी कि सोचने का काम करता है। पॉलिसी के लिए एडवाइस करना, सेंटर और स्टेट को एडवाइस करना ही इसका मेन मोटिव है, ताकि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ हो सके। इसमें फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर प्लानिंग बनाने के एजेंडे के ऊपर काम करता है।